बात कर रहे हैं दियों के त्योहार की, रोशनी के त्योहार की, माँ लक्ष्मी के त्योहार की, दीपावली की। हमने धनतेरस की बातें करी, आज हम बात करेंगे कि जो धनतेरस के बाद जो आती है चौदस, यानी काली चौदस भी उसको बोला जाता है, और जो छोटी दिवाली भी उसको बोला जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि उसके क्या रिचुअल्स होते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले जो धन त्रयोदशी की हमने पूजा करी, सब कुछ किया, रात भर माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए दिए लगाए, रंगोलियाँ बनाए, चौदस की सुबह यानी धनतेरस के दूसरे दिन सुबह सुबह सूरज निकलने के पहले यानी सूर्योदय के पहले स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि उस दिन तिल के तेल से स्नान करना चाहिए, मसाज बॉडी को करना चाहिए और फिर नहाना चाहिए, उबटन लगाना चाहिए। स्कंद पुराण में इसका साफ साफ विवरण दिया गया है कि जो तेल होता है उसमें उस दिन लक्ष्मी का वास होता है और जो पानी है उसमें दुर्गा का वास होता है। तो इससे ज़्यादा पवित्र बात और क्या होगी। सो ये इम्पोर्टेंस तो आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इस दिन को हम रूप चौदस भी बोलते हैं। तो उस दिन लेडीज जेंट्स घरों में सभी लोग उबटन लगाते हैं, ऑयल मसाज करते हैं, अपने रूप को निखारते हैं, तो इसे रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन और क्या किया जाता है, इस दिन जो यम के जो दो दूत हैं श्याम और सबला, उनके लिए भी हम रात को दीपक जलाते हैं। क्यों, जैसा कि मैंने बताया कि यम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में कोई भी अकाल मृत्यु ना हो, जो टाइम रहता है दीपावली का उस टाइम हमारे घर में कोई मिस हैपनिंग ना हो, मिस फॉर्च्यून हमारे घर में ना आए। तो जिस तरीके से बारस के दिन हम 12 दिए जलाते हैं, त्रयोदशी के दिन हम 13 दिए जलाते हैं घी के लिए, इसी तरीके से जो 14 होते हैं उसमें 14 दिए जलाने चाहिए। आप उन 14 दियों को मंदिर में रख सकते हो, घर के अपने बालकनीज में, टेरिस पर, गेट के बाहर तुलसी में घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। सो ये तो हो गई चौदस की बातें कि चौदस के दिन हमें क्या करना चाहिए। चौदस के दिन हमें श्री हनुमान जी की और माँ काली की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद जो आता है वो आता है दिवाली, मेन पर्व जो होता है दीपावली का, जो अमावस्या के दिन पड़ता है। तो धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी की पूजा भी की जाती है। इसी तरीके से धनवंतरी की पूजा नहीं सिर्फ त्रयोदशी के दिन, चतुर्दशी के दिन भी करनी चाहिए और दीपावली के दिन भी करनी चाहिए। सो हम अपने घरों में जो सफाइयाँ करते हैं, मैं आपको बताऊँ, जो देवी है कमला का जो रूप है, यानी जो कमल के आसन पर विराजमान है माँ लक्ष्मी, उनको साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरीके से हम अपने घरों में काम कराते हैं, अपने हमारे घर में हेल्पर्स होते हैं, हम उनसे अपने काम कराते हैं, इसी तरीके से माँ लक्ष्मी के आदेश पर यक्ष गंधर्व किन्नर सब काम करते हैं। यक्ष और गंधर्वों को भी जो है वो मिठाइयाँ, घर की सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, खुशबू, इत्र की। इसलिए दीपावली पर सफाई का विधान है कि जिस घर में ये सब वहाँ से उस दिन बलि के राज से मुक्त हुए थे और सब जो है वो ओशन की तरफ गए थे, तो जिस घर में सुंदरता होती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, फ्रेश फूलों का इस्तेमाल होता है, अच्छे मिठाई बनते हैं, घर में पॉजिटिव माहौल रहता है, वहाँ पर ही माँ लक्ष्मी जो है वो विराजमान हो जाती है। हमें कैसी लक्ष्मी चाहिए लाइफ में, स्थिर लक्ष्मी। लक्ष्मी होती है चंचला, जो चलती फिरती रहती है, लेकिन हमें अपने घरों में स्थिर लक्ष्मी चाहिए ताकि वो हमेशा हमारे घरों में वास करे। इसीलिए दीपावली की रात अपने घर को अच्छे से साफ करके जो माँ लक्ष्मी का आसन बनाना चाहिए वो बहुत ही सुंदर, अच्छे कपड़े बिछाकर, 100 फूलों के साथ, और अगर कमल मिल जाए, कमल के आसन पर आप लक्ष्मी को बिठाओ, तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं हो सकती है। माँ लक्ष्मी जब आती है वो थक कर वहीं पर विश्राम करती है। जिस घर में उनको सबसे ज़्यादा कम्फर्ट मिलता है, आराम मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, वो वहीं पर वास करती है, वहीं पर रह जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दीपावली पर न केवल लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी के साथ हमको श्री हरि विष्णु की, गणेश जी की और सरस्वती माँ की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। हमारे पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति अगर सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करता है तो वो जो धन है उसका वो सिर्फ एक पीढ़ी तक चलता है। अगर वो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करता है तो ये धन जो भी वो संचय करता है, धन संपत्ति, वो दो पीढ़ियों तक चलती है। लेकिन अगर लक्ष्मी जी की पूजा श्री हरि विष्णु के साथ होती है दीपावली के दिन भी,
अगर श्रीहरि विष्णु के साथ उनकी मूर्ति, उनकी फोटो, जो भी आपके घर में उसके साथ में पूजा करते हो, तो लक्ष्मी कभी भी आपके घर से जाएंगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी वही रहेंगी जहाँ श्रीहरि विष्णु रहेंगे। सो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा तो होती है, लेकिन साथ में श्री हरि विष्णु को रख करके पूजा जरूर करनी चाहिए। शंख से उनको मिलाना चाहिए, दक्षिणावर्ती जो शंख होता है उसमें जल भर के, दूध भर के उनको अच्छे से स्नान कराना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। भोग कितने तरीके के होने चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में जो विधान है, ऐसे फल या ऐसी चीजें जैसे गन्ना जिनको हम चूस के खाते हैं, या जो फल जो हम चाट के खा सकें जैसे हनी, उसके बाद जो हम पी सके, यानी जो हमें एक तरीके से दूध बनाना चाहिए जिसमें हम सिनेमन यानी कि दालचीनी डालें, कार्डमम यानी इलायची, लौंग, इन सबको उबाल करके बहुत ही सुंदर जो है शुगर मिला करके दूध बनाएं और वो रखना चाहिए। साथ में फल, मिठाई, मेवे, क्योंकि मेवे में प्राण शक्ति होती है। ये सारी चीज़ें लक्ष्मी माँ को और गणेश जी को श्री विष्णु के साथ पूजा करके अपने घर में अगर आप रखते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। दीपावली की शाम को पूजा होती है, लेकिन निशा काल में पूजा जो है वो ऑलमोस्ट रात को 12 बजे के आसपास, कभी 1 बजे के आसपास ये मुहूर्त पड़ता है, स्थिर लग्न जिसको बोलते हैं, उस पर माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सो हमारे घर में हमें स्थिर लक्ष्मी का वास चाहिए, इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ साथ श्री हरि विष्णु की और माँ सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी आती है तो इंसान की बुद्धि सबसे पहले खराब होती है, तो उस लक्ष्मी को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है ताकि लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, इसके लिए माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भगवान को सुंदर आसन दीजिए, सुंदर वस्त्र पहनाइए, अच्छे भोग लगाइए, जिनको जिनमें प्राण शक्ति बहुत हो, ऐसे भोग माँ लक्ष्मी को लगा के और उनको प्रसन्न करना चाहिए। दीपदान दीपावली के दिन एटलीस्ट 21 दिए, 11 दिए घी के जरूर होने चाहिए, और बाकी के दिए आप तिल के और ये सब जो आप अपने बैल्कनीज में लगाते हो। मैं यहाँ पर भी वापस ये चीज़ रिपीट करूँगी कि जो आप इलेक्ट्रिकल दिए लगाते हो, इलेक्ट्रिक के जो लाइटिंग करते हो, वो आप बाहर बाहर करो वो चलेगा, लेकिन अपने घरों में जितना ज़्यादा हो सके, एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ 11 दिए, 21 दिए, 51 दिए जो है वो घी के और तेल के ज़रूर जलने चाहिए। उनका अपना अलग महत्व है, वो मैंने पहले भी बताया है, घी और तेल के दिए से हमारे घर में बहुत सारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो खत्म होती है। दूसरी और एक बात, जो पितृ पक्ष अभी दिवाली के पहले जाता है, तो जो पितृ इन 15 दिनों हमारे घर में आते हैं, कहते हैं पुराणों में ऐसा व्याख्यान है कि जो हमारे पितृ हैं वो दीपावली के दिन, इस अमावस्या को, दीपावली के अमावस्या को अपने लोक को जाते हैं। तो जो हम दीप दान करते हैं, जो हम ये बोलते हैं पुराणों में है कि ये हम अपने पितरों को रास्ता दिखाते हैं, उनके लोक को जाने के लिए हम उनको रास्ता दिखाते हैं। सो घर में दीप दान, जो आपके किचन में जो वाटर स्टोरेज की जगह है वहाँ पे दीप दान, टॉयलेट में एक दिया जरूर लगाना चाहिए, तुलसी पर एक दिया घी का जरूर लगाना चाहिए, और बाकी अपने घरों को पॉजिटिवली फ्रेश फूलों के साथ, आजकल बहुत सारी रंगोलियाँ आती हैं, नकली फूलों वाले डेकोरेशंस आते हैं, आप लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन किसी यूज के नहीं। इसी जगह अगर आप आम के पत्ते पर, अगर थोड़ी और मेहनत कर सकते हो तो आम के पत्ते पर चंदन से स्वास्तिक बनाओ, ओम लिखो, राम लिखो, कोई भी ऑस्पिशियस चीज़ें आप बनाओ, और जो फ्रेश फूल और जो आम के पत्ते हैं उनसे तोरण बनाओ और वो लगाओ। आप ये करके देखो और अपने घरों में प्रॉपर जो नेचुरल इत्र होते हैं उनका इस्तेमाल करो, माँ लक्ष्मी को चढ़ाओ, अपने डोर्स पर जो फ्रेश फ्लावर्स लगाओगे, जो रंगोलियाँ बनाओगे उनमें इत्र का इस्तेमाल करो, और फिर आप देखो कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती है। लक्ष्मी केवल धन लक्ष्मी ही नहीं होती, हमें आरोग्य लक्ष्मी भी चाहिए, स्थिर लक्ष्मी चाहिए, वैभव लक्ष्मी चाहिए, संतान लक्ष्मी चाहिए, विद्या लक्ष्मी चाहिए। सो ये सारी लक्ष्मी, अगर अष्ट लक्ष्मी जिनको हम बोलते हैं, अगर हमें चाहिए तो हमें ये सारी चीज़ें अपनानी पड़ेगी। केवल धन से अगर आप सोचते हो कि आप परिपूर्ण हो और लक्ष्मी का वास आपके घर में है तो ये गलत है। अगर आपके घर में सुख लक्ष्मी, संतोष लक्ष्मी नहीं है, धैर्य लक्ष्मी नहीं है, तो आपके घर में लक्ष्मी की अभी भी कमी है। तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके देखो, फ्रेश फ्लावर्स, रंगोलियाँ,
अब मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ रंगोली के बारे में। रंगोलियाँ जो होती हैं वो एक तरीके से मैथमेटिकल डिजाइंस होते हैं जिन पे हम कई बार देवी देवताओं का भी आवाहन करते हैं। आजकल स्टिकर रंगोलियाँ, ऐसी रंगोलियाँ नकली, वो ऊपर आपने लगा दिया और ये कर दिया और वो केमिकल से बने हुए कलर से बनी हुई रंगोलियाँ सुंदर तो बहुत लगती हैं, बट बिल्कुल आप ये चीज़ मान के चलिए कि वो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाली। तो रंगोलियाँ कैसी होनी चाहिए? रंगोलियाँ हमेशा एडिबल होनी चाहिए, यानी अगर आप चावलों को कलर करो और अगर आपके पास टाइम है हल्दी से, अगर आपको पीले चावल हैं तो आप हल्दी से, कुमकुम से, इस तरीके से चुकंदर जो उसमें आता है सब्जियों में उससे भी रंग बनते हैं। तो रंगोली हमेशा एडिबल होनी चाहिए। क्यों एडिबल होनी चाहिए? जब आप उसको अपने घरों में बाहर बनाते हो, जो लोग एवरीडे बनाते हैं उनको वो तो एवरीडे उठा लेते हैं रंगोली, लेकिन अगर आप ओकेजनली रंगोली बना रहे हो दीपावली पे ऐसे, तो एटलीस्ट 7 days या 9 days रंगोली धरती पर रहनी चाहिए। किसी भी टेबल पर, स्टूल पर रंगोली नहीं बनानी चाहिए। रंगोली हमेशा ज़मीन पर होनी चाहिए, धरती पर, क्योंकि धरती की जो एनर्जीज होती हैं, अर्थ की जो एनर्जीज होती हैं, वो उस आइटम से, जो भी आप फूड आइटम से बनाते हो, दालों से बनाते हो, चावलों से बनाते हो, कलरफुल, ये सारी चीज़ें बाद में चींटियों के और कीड़ों के खाने के काम आती हैं। तो वो क्या करते हैं, जिस धरती पर वो रंगोली बनी है, जिस ज़मीन पर, यानी आपके घर के बाहर या आपके घर के अंदर जहाँ भी ये रंगोली बनी है, वो जो कीट कीड़े मकोड़े और जो चींटियाँ होती हैं वो आपको ब्लेस कर। रंगोली उठाने का भी तरीका होता है, मैंने कई घरों में देखा है कि रंगोली बनाई और फिर झाड़ू से उठाती है, ये बहुत ज़्यादा इनऑस्पिशियस होता है। आप जब भी रंगोली बना रहे हैं तो आपको खुद, आपके जो घर के हेल्पर्स हैं उनसे मत बोलिए, आप अपने खुद अपने पाम से, अपने हाथों से उन रंगोली को उठाइए, उसको इकट्ठा करिए और अगर चावलों से बनाइए या दालों से बनाइए तो बाहर आप पंछियों के लिए डाल सकते हैं, इसीलिए उसका एडिबल होना बहुत जरूरी है। सो आई होप कि ये रंगोली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये जो आजकल स्टिकर वाली और बाहर वो सुंदर सुंदर कुछ कुंदन जड़ी हुई रंगोलियाँ आती हैं, प्लास्टिक की रंगोलियाँ आती हैं, वो अलग अलग उसके पैटर्न्स और वो सजा दिए, बीच में दिए लगा दिए, तो वो किसी यूज़ की नहीं है। सुंदर जरूर लगेंगी बट आपके किसी यूज़ की नहीं। दिवाली का त्यौहार साल भर में आता है, एक साल में एक बार आता है दिवाली। हर साल हमें ये कोशिश करनी चाहिए जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हम कर सकें, जितनी ज़्यादा फ्रेश नेचुरल चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकें, हमारी दिवाली हमें साल भर उतना ही फल देगी, उतना ही ब्लेसिंग्स माँ लक्ष्मी की, श्री हरि विष्णु की और श्री गणेश और माँ सरस्वती की हमारे घर पर बनी रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, सुख शांति रहेगी। इस तरीके से अगर आप दीपावली को सेलिब्रेट करते हो तो आप मानो कि आपको चेंजेस अपने घर में जो नजर आएंगे वो माइंड ब्लोइंग चेंजेस होंगे। दीपावली के दिन वही खातों की भी पूजा की जाती है, बहुत से लोग धनतेरस के दिन भी करते हैं और बहुत से लोग दीपावली के दिन भी करते हैं। सो जैसा भी आपके घर का ट्रेडिशन है आप कर सकते हो। ऑफिस में भी पूजा की जाती है, जो वही खाते होते हैं, नई कॉपीज खरीदी जाती है, बुक्स खरीदी जाती है जिसमें लेजर बुक्स, जिसमें हम हिसाब किताब लिखते हैं, तो वो सब भी वो आपके ट्रेडिशन पर डिपेंड करता है। जो लोग आर्टिस्ट हैं, लाइक अगर कोई पेंटिंग करता है या कोई राइटर है, तो उस दिन आपको धनतेरस के दिन आपको पेन खरीद कर भी दिवाली तक उसकी पूजा करनी चाहिए, पेंटिंग्स ब्रशेस खरीदने चाहिए जिनकी पूजा दीपावली तक करनी चाहिए। आजकल आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारा दीपावली आते ही सारे जो ग्रुप्स हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं कि पोल्यूशन होता है और पटाखे नहीं चलाने चाहिए, बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए। सो मैं आज आपको ये बात बता दूँ कि ये सारी बातों को जो कह रहे हैं स्कंद पुराण में, जब हमारे पुराणों में इस चीज़ का व्याख्यान है कि जब श्री राम जी जो हैं वो लौटे थे अयोध्या, तब दीपावली घी के दिए जलाए गए थे, दीपावली बनाई गई थी और पटाखे चलाए गए थे आकाश में। इसमें ऐसा लिखा है कि आकाश में रोशनी की गई थी, जिसको आकाश में रोशनी करने का मतलब, उस जमाने में कपड़े के कुछ दिए बनाए जाते थे जिसके बीच में वो दीपक रखे और आकाश में उड़ाए जाते थे, जिसको आकाश रोशनी बोला जाता था, आसमानी रोशनी बोला जाता था। तो इसका व्याख्यान तो हमारे पुराणों में भी है। सो दीपावली के दिन आपको चाहे आप शगुन के तौर पर जलाओ, लेकिन पटाखे ज़रूर चलाने चाहिए। स्पेशली जो फुलझड़ी होती है उसको आपने जनरली देखा होगा कि लोग घुमा घुमा कर ही चलाते हैं,
तो वो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम मतलब उसको चलाने का तरीका ऐसा है, बट एक्चुअली उसको गोल घुमाना ही चाहिए। आप जब उसको अपने चारों ओर घुमाते हो तो आप अपने चारों ओर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको दूर करते हो। तो फुलझड़ी को हमेशा गोल घुमा कर ही चलाना चाहिए। आप और पटाखे चलाते हो या नहीं चलाते हो, लेकिन फुलझड़ी जरूर जलानी चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि फुलझड़ी जलाना शगुन कहा जाता है। उस दिन कहते हैं कि आपको अपना दरवाजा रात को बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में सेफ्टी डोर है तो उसको लगा के आप कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट मिड नाइट तक तो आपको अपने घर के दरवाजे खोल कर रखने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि दिए की जो बत्तियां हैं वो एटलीस्ट पूरी रात जले। दीपावली की रात जब सारे देवी देवता आते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ उनकी जो सिस्टर है अलक्ष्मी, यानी जो जिनको हम बोलते हैं मिस फॉर्च्यून, दरिद्रता, वो भी हमारे घर आती है। तो उनका क्या करते हैं, 4 बजे, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है कि जब श्री हरि विष्णु के उठने के पहले, यानी जो घर के जो जेंट्स हैं उनके उठने के पहले लेडीज को 4 बजे उठकर जो घर की पुरानी झाड़ू है जो आप अभी तक यूज कर रहे थे उस झाड़ू से, और धीरे धीरे कोई ड्रम या घंटी बजाते हुए अपने घर में हल्की हल्की झाड़ू से सफाई करते हुए, और हम ये कहते हैं कि जो अलक्ष्मी है वो हमारे घर से बाहर जाए और श्री लक्ष्मी वृद्धि और सिद्धि के साथ हमारे घर में विराजमान है। ऐसा कहते हुए जो दरिद्रता है उनके, जो अलक्ष्मी है, जो उनकी बहन जो साथ में आई है, झाड़ू के साथ धीरे धीरे झाड़ू मारते हुए उनको हम द्वार के बाहर, अपने गेट के बाहर वो हल्का सा कचरा जो है वो कर देते हैं और वो झाड़ू बाहर ही फेंकते हैं। इसलिए धनतेरस पर जो नई झाड़ू खरीदी है उसका इस्तेमाल अब हम नेक्स्ट डे से करते हैं, जो मैंने बताया। तो पुरानी झाड़ू इस तरीके से फेंकी जाती है, बट इसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने घर से कचरा निकाल रहे हैं और झाड़ू, तो जो अगर आप फ्लैट सिस्टम में रह रहे हो तो ऐसा नहीं कि वो कचरा आप दूसरे के गेट के आगे जाकर के डाल दो। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, हमें अपने घर से दरिद्रता निकालनी है लेकिन किसी और के घर पे नहीं रखनी। सो उसको ऐसी जगह पर डालना है जहाँ कोई भी ना रहता हो, सीढ़ी के पास नीचे जाकर के थोड़ी मेहनत होती है। दीपावली है, माँ लक्ष्मी का आगमन है, तो थोड़ी मेहनत होती है, करनी चाहिए। दीपावली की पूरी रात एक रहस्यमय रात, उस दिन अगर आप रात में बैठ के जो निशा काल मैंने बताई है, अगर आप उसमें हवन करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आप देखोगे बॉडी में डिफरेंट वाइब्रेशंस होते हैं, क्योंकि उस दिन जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत तरीके की शक्तियाँ होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसीलिए केवल पॉजिटिव आए इसके लिए हम अपने घरों में सारी फ्रेश चीज़ें, फ्रेश फ्लावर्स, आम के पत्ते, दिए, घी के दिए, तेल के दिए, क्योंकि तेल के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाते हैं, इसलिए ये सारे करके हम अपनी दीपावली को ब्लेस्ड बनाएं। सो दीपावली के इस 5 दिवसीय त्यौहार की हम जितनी भी व्याख्या करें वो कम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सब का व्याख्यान नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल आई होप कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आप सबको कन्वे करी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करिए और अपनी दिवाली को ब्लेस्ड बनाइए। शुभ दीपावली।